जैसा कि आप सभी को पता है कि पराग राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 दिसंबर माह में आयोजित होना है, तो अधिक से अधिक हम विद्यार्थियों को इसकी तैयारी अपने स्तर पे कराएंगे, जिससे कि विद्यार्थियों की एग्जाम हॉल में अधिक से अधिक वे कम समय में प्रश्नों को आसानी से अटेम्प्ट कर सकेंगे, उसकी जो स्किल है वह विकसित होगी। तो चलिए आज हम देखते हैं क्लास 6 प्रीपरेटरी लेवल के जो गणित विषय है कि उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और उसका किस प्रकार से आप सवालों का जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है पराग राष्ट्रीय सर्वेक्षण प्रश्न बैंक कक्षा 6 विषय गणित प्रीपरेटरी लेवल। यहाँ पे देखिए, आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के रूप में आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, तो सही विकल्प चुनकर उस पर आपको गोला का चिन्ह लगाना है। इस प्रकार से आपको OMR शीट दिया जाएगा, जिसमें हर प्रश्न के आपको इस प्रकार से 4 जवाब दिए रहेंगे, A, B, C, D, और उस प्रश्न के लिए जो सही जवाब होगा संबंधित ऑप्शन को आपको पूरी तरह से क्या कर देनी है, गोल कर देनी है। तो यहाँ पर देखिए, हमारे सामने स्क्रीन पे जो प्रश्न है, एक कहता है कि एक बॉक्स में गणित की 14 किताबें रखी है। यदि एक किताब का भार 450 ग्राम है, तो बॉक्स में रखी कुल किताबों का भार कितना होगा? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक बॉक्स में गणित की कितनी किताबें रखी गई है, 14 किताबें, और एक किताब का भार कितना है, 450 ग्राम। यानी कि यहाँ पे देखिए, एक किताब का जो भार है वह हमारा है 450 ग्राम। तो हमें क्या निकालना है, कुल 14 किताबों का हमको भार निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 14 किताबों का भार बराबर 450 गुणा 14, क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ पे हमारा एक एक नियम लागू होता है। जब हमें एक का दिया गया हो, एक वस्तु की कीमत दी गई हो, या फिर एक वस्तु का वजन दिया गया हो, तो हमें अधिक का निकालना होता है। तो उस एक की जो भी आपको दिया रहेगा, कीमत हो चाहे भार हो चाहे अन्य चीजें हो, तो उसमें आपको क्या कर देनी है, अधिक का गुणा कर देना होता है। तो इस प्रकार से 450 में हम क्या कर देंगे, 14 का गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर जो हमारा उत्तर आएगा वही हमारा सही जवाब होगा। चलिए हम यहाँ पे गुणा करते हैं, तो 14 * 0 हो जाएगा, और 14 * 5 = 70, 70 की फिर शून्य हासिल किया गया हमारा 7, और 14 = 56, और 56 में हमको क्या जोड़नी है, 7। तो 56 और 7 कितना हो जाता है, 63, यानी कि हमारा कितना आ गया, 6300 ग्राम। तो यहाँ पे कहाँ पे है ये, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 6300 ग्राम। उसी प्रकार से अगला प्रश्न कहता है कि एक अलमारी में 6 खंड है, प्रत्येक खंड में 22 22 पुस्तकें रखी जा सकती है। तो ऐसे ही 8 अलमारियों में कुल कितनी पुस्तकें रखी जा सकेगी? तो यहाँ पर देखिए, एक अलमारी में कितने खंड है, 6 खंड है, और प्रत्येक खंड में कितनी पुस्तकें हैं, 22, यानी कि एक खंड में कितनी पुस्तकें दी गई है हमको, 22 पुस्तकें रखी गई है। तो 6 खंड में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर भी सेम नियम लागू हो जाएगा, 22 * 6। तो हमें 6 खंड में कितनी पुस्तकें आएगी हमको मालूम पड़ जाएगा। तो यहाँ पे हम गुणा कर देते हैं, तो 6 * 2 = 12, 2 + 1, और 6 * 2 = 12, और हासिल कितना आ गया है, 1। तो कितना हो गया, 132, यानी कि एक अलमारी में 6 खंड है जिसमें कुल 132 पुस्तकें रखी जा सकती है। तो एक अलमारी में 132 पुस्तकें रखी जा सकती है, ये कितनी अलमारी की है, एक अलमारी की। तो हमको कितनी अलमारी में पुस्तक रखनी है, 8। तो हम क्या कर देंगे, इस 132 में हमें 8 का गुणा करेंगे। तो हमें 8 अलमारी में कितनी पुस्तक रखी जा सकती है, उसकी संख्या हमको ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, 8 * 2 = 16, 16 की हम क्या हो जाएगा, 6, हासिल 1 आएगा, और 8 * 3 = 24, 24 और 1 = 25 की 5, हासिल 2, और 8 * 1 = 8, और 8 और 2 = 10। तो कितना आ गया हमारा, 1056। तो यहाँ पे देखिए, सही जवाब क्या है, 1056। तो हम OMR शीट में पहला जो ऑप्शन है उसको क्या कर देंगे, गोले को डार्क कर देंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे आ जाएगा 1056। अगला प्रश्न कहता है,
प्रश्न कहता है, नीचे दिए गए प्रश्न में डिब्बे के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी कि 32 में हम किसका गुणा करेंगे तो गुणनफल 544 आएगा। तो इस गुणनफल यानी कि 544 में हम क्या करेंगे, 32 का भाग कर देंगे। तो भाग करने के बाद जो उत्तर आएगा, भागफल आएगा, वही हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए हम कटाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 16 32। अब ये क्या हो जाएगा, 2 2 4, यहाँ बचा 1, तो कितना हो गया, 1 और 4 14, 2 7 14, फिर यहाँ पे 4 है तो 2 2 4 हो गया, फिर ये कटेगा 2 से 2 8 16। अब यहाँ पे देखिए तो 2 1 2 2 3 6, बच गया 1, हो गया 12, और 2 6 12। फिर हम इसको बना देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 4 8 और 2 6 12, यहाँ बचा 1, हो गया 16, 2 8 16। अब सीधा हम क्या करते हैं, 4 से ही काट देते हैं, तो 4 1 4, यहाँ पे 4 1 4, यहाँ कितना बच गया, 2, हो गया 28, तो 4 7 28, तो यहाँ पे आ जाएगा 17। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 17, यानी कि 32 में हम 17 का गुणा करेंगे तो 544 आएगा। अगला प्रश्न कहता है कि सबीना ने दुकान से सारी में दी गई सभी वस्तुएं खरीदी, चॉकलेट कितने की, 173 रुपए की, कॉपी 240 रुपए, कंपास 120 रुपए, स्कूल बैग 550 रुपए। उसे दुकानदार को 500 रुपए का 2 नोट देने के बाद और कितने रुपए देने होंगे। तो यहाँ पर देखिए, सगीला ने दुकान से सारणी में दी गई ये सभी वस्तु खरीद ली है, तो क्या करेंगे, सभी वस्तु खरीद ली है मतलब ये सभी कीमत उसको पे करना पड़ेगा, यानी कि इनको क्या कर देंगे हम, आपस में जोड़ देंगे। तो सभी के इसके इकाई में क्या है, 3 है, अब बाकी की इकाई में 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3, इनको जोड़ते हैं तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, तो 7 4 क्या हो गया, 11, 11 और 2 13, और 13 और 5 18, 18 की 8, और हासिल यहाँ पे आ जाएगा 1, तो 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, और 5 और 5 10, तो कितना हो गया, 1083, यानी कि 1083 रुपए का उसने क्या किया, सामान खरीदा है, 1083। ये देखिए 108 और 3, उसने दुकानदार को 500 रुपए के 2 नोट दिए, यानी कि 1 नोट 500 और 2 नोट 1000, यानी कि उसने 1000 रुपए दिए हैं, तो कितना कम पड़ रहा है, इसमें 1000 हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या बचेगा, 83, यानी कि 83 रुपए शकीला को दुकानदार को और देने होंगे, तो सही उत्तर हो जाएगा 83 रुपए। अब अगला प्रश्न कहता है, मीना 35 मिनट नृत्य का अभ्यास करती है, वह अपना अभ्यास शाम को 3 बजकर 45 मिनट पर समाप्त करती है, तो मीना ने अभ्यास कितने बजे आरंभ किया। तो यहाँ पे देखिए, 3 बजकर 45 मिनट पर वह अभ्यास को समाप्त करती है, और कितना मिनट अभ्यास करती है, 35 मिनट। तो हम क्या कर देंगे, इस 35 को मिनट में से घटा देंगे, और यहाँ घंटा क्या हो जाएगा, 0, तो 5 में से 5 गया, क्या हो गया, 0, और 4 में से 3 गया, 1, और 3 का 3, यानी कि वह 3 बजकर 10 मिनट में अपना अभ्यास शुरू करती है, तो ये आ जाएगा 3 बजकर 10 मिनट में सही जवाब। अगला प्रश्न कहता है, अब्राहम के पास 2000 रुपए के 2 नोट, 500 रुपए के 3 नोट, 200 रुपए के 4 नोट एवं 50 के 6 नोट है, तो अब्राहम के पास कुल कितने नोट है। तो यहाँ पर देखिए, 2000 के 2 नोट यानी कि कितने हो जाएंगे, 4000, 2 और 2 4000, 5 3 नोट 15, यानी कि 1500, 200 के 4 नोट यानी कि 4 दुनी 800, यहाँ पे हो जाएगा 800, और 50 के 6 नोट, तो 6 5 3 यानी कि 300, इस प्रकार से ये उसके पास
अब हम जोड़ते हैं, इसके इकाई में क्या है? जीरो है। इसके भी इकाई में क्या है? जीरो है। यहाँ पे देखते हैं, ये 5 है, ये 8 है, और ये कितना है? 3। तो 5 और 3 8, और 8 8 16 की 6 80 8, तो 4 और 1 5, 5 और 1 6, यानी कि कितना हो गया? 6600। ये सही जवाब हो जाएगा, 6600। अगला प्रश्न कहता है, एक दुकान में सामग्री सूची एवं उनका मूल्य दिया गया है, जिसमें समोसा 8 रुपए प्रति नग, पास्ता 15 रुपए, चौमिन 20 रुपए, जलेबी 10 रुपए प्रति प्लेट। राजू और उसके दोस्तों ने पास्ता 1 प्लेट, चाउमीन 1 प्लेट और समोसा 3 खरीदा। उसे दुकानदार को कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो यहाँ पर देखिए, पास्ता 1 प्लेट कितने का आता है? 15 रुपए का। और चाउमीन 1 प्लेट कितने का है? 20 रुपए का। और समोसा कितना है? 3 नग। तो 1 नग कितने का आता है? 8। तो 8 हो जाएगा 24। जोड़ देंगे तो 5 और 4 कितना हुआ? 9 और 2, 2 4 और 1 5, तो ये आ गया 59, यानी कि उसने दुकानदार को 59 रुपए देने पड़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है, यहाँ पर देखिए, ये 5 लीटर की धारिता वाला वस्तु है, ये 3 लीटर की, ये 2 750 मिलीमीटर की, और ये 250 मिलीमीटर की। तो दिए गए चारों पात्रों में रखे दूध की मात्रा दी गई है, तो इन चारों पात्रों के दूध को एक बड़े पात्र में रखा जाना है, तो इसके लिए कौन सा पात्र उपयुक्त होगा? तो इन सबको आपस में हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 लीटर। अब इसको जोड़ेंगे तो 750 मिलीलीटर और 250 मिलीलीटर कितना हो जाएगा? 1000 मिलीलीटर। अब हम जानते हैं, 1000 मिलीलीटर को जब हम लीटर में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 लीटर। 1 लीटर बन जाएगा, क्योंकि 1000 मिलीलीटर बराबर होता है 1 लीटर। तो यहाँ पे 8 लीटर और ये 1 लीटर मिले कि कितने हो जाएंगे? 9 लीटर। तो 9 लीटर का पात्र इसके लिए क्या हो जाएगा? उपयुक्त तो हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा द। अगला प्रश्न कहता है, रामू ने अपने बगीचे में लगाने के लिए 624 पौधे खरीदे। वह इन सभी पौधों को 16 पंक्तियों में लगाता है, तो सभी पंक्तियों में पौधों की संख्या समान है, तो वह एक पंक्ति में कितने पौधे लगाएगा? तो इसके लिए क्या करेंगे हम? 624 में हम 16 का भाग, अब भाग करने के बाद जो उत्तर आएगा वह हमारा एक पंक्ति में उतने ही पौधे लगाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे भाग कर लेते हैं, ये हो गया 16 एकम 16। अब यहाँ भाग करते हैं तो 16 48, और 16 चौक 64 ज्यादा हो गया, 3 बार लेंगे तो 16 तिया 48। अब ये 62 में से 48 चला गया, कितना बचेगा? 14, और ये यहाँ पे है 4, तो 14 और ये 4 कितना है? 144, और 16 निया होता है 144, तो कितना आ गया? 39 39। तो इस प्रकार से वह एक पंक्ति में 39 पौधे लगाएगा। अगला प्रश्न कहता है, एक रोबोट समान कदमों की चाल से 1 कदम में 30 सेंटीमीटर चलता है, तो 12 मीटर की दूरी तय करने के लिए उसे कितने कदम चलना पड़ेगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो हम जानते हैं, 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 12 मीटर बराबर क्या हो जाएगा? 12 गुणा 100, यानी कि 1200 सेंटीमीटर। तो 1200 सेंटीमीटर उसको चलना है, और 1 कदम में कितना चलता है? 30 सेंटीमीटर। तो इस 1200 में हम क्या कर देंगे? 30 का भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये शून्य क्या हो गए? कट गए। 3 एकम 3 3 चौके 12, अब यहाँ पे क्या बच गया? शून्य। तो यहाँ पे 3 सुनाम 0, तो कितना आ गया? 40, यानी कि 1200 मीटर की दूरी तय करने के लिए रोबोट को 40 कदम चलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से साथियों, हम विद्यालय स्तर पर बच्चों को परख की आसानी से तैयारी करा सकते हैं, जिससे कि परख एग्जाम में बच्चों का परफॉर्मेंस बेहतर हो सकेगा। तो फिर तो इस तरह से हम
बच्चों को आसानी से परख की तैयारी करा सकते हैं, जिससे कि परख के एग्जाम में बच्चों का परफॉर्मेंस बेहतर होगा। इस तरह से इस वीडियो को देख करके बच्चे घर पर भी आसानी से तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आप इन वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों को जो सोशल मीडिया का व्हाट्सएप ग्रुप या फिर अन्य ग्रुप उनका बना हुआ है वहां पर उनको शेयर कीजिए और उनको देखने के लिए कहिए, ताकि बच्चे जो है वीडियो को देख करके आसानी से अपनी तैयारी रख सके। तो फिर मिलते हैं साथियों इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए साथियों नमस्कार।